दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो। डुसू इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। डुसू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। और इस चुनाव में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भारी जीत हुई है। चार में से तीन सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत ली है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक सीट जिस पे लास्ट लास्ट तक बहुत एबीवीपी आगे चलती रही, बाद में वो जीत नहीं सकी। चार में तीन सीट एबीवीपी ने जीता, वो भी तब जब CYSS, अब इसका फुल फॉर्म आप पता कर लीजिएगा, वैसे ही पता करना पड़ेगा जैसे INDIA का फुल फॉर्म पता करना पड़ता है। ये CYSS आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है और इन्होंने चुनाव में अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया ताकि जो NSUI है वो जीत जाए, लेकिन इतने समर्थन के बाद भी नहीं जीत पाया। बधाई हो एबीवीपी के अध्यक्ष के रूप में जीते तुषार डेढ़ा, सचिव के रूप में जीती अपराजिता और ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जीते सचिन बैसला। और मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन छात्रों ने वोट किया है, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने कैंपेन में साथ दिया है उन सभी लोगों को, लेकिन करंट जिनको जिनको लगा है उनका स्थिति इस समय क्या होगा? एक तो भाई साहब जो पहिए वाली अटैची लेके कपार पे जा रहे थे अभी स्टेशन में, पता नहीं वो अटैची के नीचे कहाँ दबे पड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल जी, इस सिर्फ अलायंस बनाने से चुनाव नहीं जीते जाते, वोटर बहुत समझदार है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रत्येक छात्र के दूरदृष्टि को सैल्यूट करता हूं। आज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि आप नेता लोग कितने भी आपस में मिल जाओ, वोटर बहुत समझदार है। सैल्यूट करता हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं को। बधाई एबीवीपी को, बहुत बहुत बधाई। अभी तो ये इंडी अलायंस की पहली हार है, अभी बहुत सारी आने को बेकरार है।